हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से कॉइन DCX जो एप्लीकेशन है उस पे इथेरियम बाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने क्यों चूज़ करी, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि इसका जो लेआउट है ना वो बहुत आसान है, इजी टू हैंडल है, और सबसे अच्छी बात है सेफेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, अगर आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के इथेरियम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। जैसे आप KYC करते हैं या फिर अपनी कोई भी क्रिप्टो परचेज करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के जो इथेरियम है एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। बट हम आज के ट्यूटोरियल्स में ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप फंड को ऐड कर सकते हैं, साथ में सेल आउट कर सकते हैं इथेरियम को, और साथ में ही हम किस तरह से अपना पोर्टफोलियो है वो चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसका एक प्रॉपर जो ट्यूटोरियल होता है मैं बना चुका हूँ, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेशली इथेरियम के बारे में। सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपको सबसे पहले होम पे ये लेआउट मिलेगा। बिकॉज मैंने KYC और सारी कुछ डिटेल्स मैंने पूरी कर रखी हैं। अकाउंट में हम जैसे ही जाते हैं, नीचे आपने अकाउंट देखा, अकाउंट में हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल टू इन्वेस्ट, मतलब मेरे जो वॉलेट है कॉइन DCX का, इसमें 204 रुपये हैं। बट फिर भी मैं आपको और जो रुपए हैं वो ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर फंड ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अवेलेबल टू इन्वेस्ट, ध्यान रखिएगा आपने KYC जो है वो कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है। हम वापस अवेलेबल टू बैलेंस में जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है ऐड फंड्स, ऐड फंड्स पे आपने क्लिक किया। ऐड फंड्स पे क्लिक करने के बाद में वो आपको बताएगा कि भाई आप कितने रुपए डालना चाहते हो अपने वॉलेट में। वैसे तो मेरे पास हैं बट आपके में नहीं होंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ किसी आप 100 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं, 100 रुपये का इथेरियम परचेस करना चाहते हैं। मैंने मूवी को आप देखिए, 100 रुपये का इथेरियम आप डायरेक्ट बैंक से नहीं कटवा सकते, यहाँ पे आपको एक और एप्लीकेशन लगेगी, उसका नाम है मोवी क्विक। अब मोवी क्विक एप्लीकेशन है, उस पर भी एक वॉलेट रहता है। तो हम देखिए मोवी क्विक वॉलेट के अंदर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे मोवी क्विक वॉलेट मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, बट मुझे नहीं पता कि उसमें मैंने कितने रुपये डाल रखे हैं। अभी देखते हैं कि कहाँ तक ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है जाता है। अब मैंने मोवी क्विक कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में ये पूछ रहा है मोवी क्विक, ठीक है वॉलेट है। उसके बाद में मैं प्रोसेस कर देता हूँ, लोडिंग हो रहा है। मनी एडेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड नॉट अलाउड ऑन दिस पेमेंट, छोड़े इनसफिशियंट बैलेंस आ गया। ओके, सो मेरे मोवी क्विक जो वॉलेट है उसमें रुपए प्रॉपर नहीं है। अब मुझे मोवी क्विक के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। मैं फटाफट से मोवी क्विक पे जाता हूँ, एंड मोवी क्विक पे जाने के बाद में सी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कंप्लीट कर रखा है। मैं ऊपर बैलेंस पे क्लिक किया, ठीक है। जिप बैलेंस तो मेरे पास 500 रुपीज़ है, बट फिलहाल जो मनी एडेड है वो 60 रुपीज़ है। तो यहीं हम ऐड मनी करते हैं। मैं 100 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर भी 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने बैंक अकाउंट से करता हूँ, जल्दी से इसको करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे 100 रुपीज़ मोवी क्विक के वॉलेट में आए हैं, कॉइन DCX के वॉलेट में नहीं आए हैं। मैंने मोवी क्विक में 100 रुपीज़ ऐड कर लिए। मैं वापस जाता हूँ, उसके बाद में हम वापस अपनी ऐप कॉइन DCX में जाएंगे। स्टार्टिंग से दोबारा कैंसिल करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगेन मुझे 100 रुपीज़ अपने कॉइन DCX में चाहिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ मोवी क्विक वॉलेट, हाँ कंटिन्यू करते हैं, वॉलेट पूछ रहा है मोवी क्विक वाला, इसको फिर वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब ये मेरे जो मोबाइल नंबर है उससे कनेक्ट करके मोवी क्विक को अपने साथ में कनेक्ट करने की बोल रहा है। तो मैं फटाफट से मोबाइल नंबर डाल के इसको कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद में ओटीपी आ रहा है। वेट करते हैं ओटीपी का, एंड ओटीपी आ चुका है। मैं ओटीपी डाल देता हूँ फटाफट से, 4817 सबमिट किया मैंने। एंड सबमिट करने के बाद में देखिए वॉलेट बैलेंस 160.76, मतलब 160 रुपये है टोटल देखा जाए तो। मैं पे नाउ करता हूँ एंड प्रोसेसिंग बोल रहा है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये रिडायरेक्ट करेंगे मुझे, वेरीफाइंग कर रहे हैं, वी विल नोटिफाई यू वाया ईमेल और नोटिफिकेशन एज सून एज इट्स कम्प्लीट, ठीक है। डू नॉट टैप बैक, बैक मत करिएगा, अभी ट्रांजेक्शन चल रहा है। वेरीफाइंग कर रहे हैं हमारी पेमेंट को, और 304 रुपये हो चुके हैं मेरे अकाउंट में। अभी 204 थे तो 304 रुपये हो चुके हैं। ये तो हमने अपने जो अकाउंट है उसके अंदर रुपये डाल लिए हैं। रुपये डालने के बाद में हम बात करते हैं कि हम इथेरियम को कैसे परचेस करें। ऑलरेडी अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू किया होगा तो इथेरियम ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ और ज़्यादा अमाउंट में किस तरीके से इथेरियम बाय करते हैं। यहाँ पे जैसे अकाउंट में था, यहाँ पे आप जाएंगे प्राइजेस में, सेकंड नंबर का ऑप्शन है माई विच वॉच लिस्ट, मतलब मैंने वॉच लिस्ट में ऑलरेडी इथेरियम को ऐड कर रखा है, बट मैं जाता हूँ ऑल कॉइन्स में। यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे आपको इथेरियम दिख रहा है। पॉइंट कितना, 6% की अभी ग्रोथ चल रही है। ये 24 आवर्स के हैं डेटा कि अभी 24 घंटे में 6% की ग्रोथ ली है इथेरियम ने, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ इथेरियम में, यहाँ पे दो ऑप्शन है, बाई और सेल। बिकॉज मेरे पास थोड़ा बहुत इथेरियम है तो सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास कोई अमाउंट नहीं है इथेरियम को तो यहाँ पे ओनली बाई आएगा।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने प्राइस वगैरह जो है वो सब चीज़ें देख सकते हैं कि कोई चार्ट में किस तरह से चल रहा है कि एक दिन में, एक घंटे में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में इथेरियम किस तरह से परफॉर्म करता रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। हम वापस जाते हैं इथेरियम पर, हमें बाई करना है। यहाँ पर बाई करने के लिए अब रुपये पूछ रहा है, ऑलरेडी मेरा बैलेंस 304 रुपये है, बट मैं अभी सपोज़ कीजिए मैं 50 रुपये का इथेरियम परचेस करता हूँ। अब 50 रुपये का इथेरियम तो मैं परचेस कर लूँ, बट नीचे यहाँ लिखा हुआ है यू पे 5010, मतलब 50 रुपये 10 पैसे लगेंगे, क्योंकि 0.2% इसकी फ़ीस है। ठीक है, सो फीस दे, ठीक है, देने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतना सारा ऑप्शन हमको दे रहे हैं। तो 50 रुपये मैंने दिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो इजी, बस इसको पकड़ना है और स्वाइप टू बाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने 50 रुपये का इथेरियम परचेस कर लिया है, यहाँ पे डन गए। अब हमको देखना है कि भाई मैंने इथेरियम तो परचेस कर लिया, बट मैं कहाँ जाके देखूँ? तो यहाँ पर प्राइसेस के बाद में इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, ये आपका पोर्टफोलियो है, आपने टोटल कितनी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट इस ऐप पे कर रखी है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इथेरियम है वो करंट अभी 242 है, तो ऑलरेडी मेरा 200 के समथिंग पहले मैंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसके बाद में 50 रुपये यहाँ पर अभी आपके सामने करा है मैंने। सो अब ये मैंने इथेरियम आपके सामने बाय करके दिखाया है, अब बारी आती है सेल करने की, इथेरियम को हम सेल कैसे करें। सो मैंने जैसे ही इथेरियम पे टैप किया तो देखिए यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं वो दिख रही हैं कि मैंने कब कब कौन कौन सा इथेरियम परचेस किया। तो मुझे सेल आउट करना है इथेरियम फिलहाल, तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। सेल करने में अभी मैंने आपके सामने 50 रुपये लगाए, बट 50 रुपये नहीं करके हम बैलेंस कितना है अभी 241। ओके, तो मैं 50 रुपये करता हूँ अभी, रुपये मैंने 50 रुपये किए। अब 50 रुपये का इथेरियम मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ, बट नीचे अगेन ये है कि 49.90, मतलब वापस 0.2% फीस मेरी लगेगी। मैं नेक्स्ट क्लिक किया, इसको किया और स्वाइप करता हूँ एंड सेल ऑर्डर कंप्लीट। तो जो इथेरियम मैंने परचेस किया था 50 रुपये का वो सक्सेसफुली बिक चुका है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इथेरियम को बाय और सेल करना है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अपने अकाउंट से रुपये इसके अंदर कैसे डालने हैं, इस ऐप में कैसे डालने हैं। अब लास्ट में बात आती है कि इस ऐप से आपके बैंक अकाउंट में कैसे डालने हैं रुपये। सो हम वापस बैक जाते हैं, अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद में अवेलेबल टू इन्वेस्ट जो है इसको क्लिक करना है, जहाँ पे आपने ऐड फंड किया था वहीं आपको बगल में लिख रहा है विड्रॉ फंड्स। तो आप जैसे ही विड्रॉ फंड पे क्लिक करेंगे तो INR विड्रॉल, अगर आपने KYC करी है तो KYC के नीचे वाले ऑप्शन में आप देखते हैं, मैं बताऊँ आपको। अकाउंट में जैसे ही आप जाते हैं, अकाउंट सेटिंग है ना जहाँ आपने अपने KYC करी है, KYC के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल्स, आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो अकाउंट डिटेल्स अगर आपने डाली होंगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, सेम वही डिटेल्स आपको विड्रॉल में भी काम आएंगे। तो आप अवेलेबल टू इन्वेस्ट में जाइए, विड्रॉल फंड्स में जाइए, यहाँ पर आपको जो आपने बैंक अकाउंट इसके अंदर सबमिट कर रखा है वो आपको शो हो जाएगा, आपको कितने अमाउंट में रुपए निकालने हैं। जैसे मेरे अभी अकाउंट में 302 रुपए हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो उनको निकाल सकता हूँ, जस्ट वेरीफाई करना है, और कुछ समय में जो जितना अमाउंट मेरा इसके अंदर अवेलेबल है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसमें कोई MobiKwik का रोल नहीं है, MobiKwik सिर्फ अपने जो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक से इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए MobiKwik की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप इस ऐप से डायरेक्ट अपने बैंक में डालना चाहें तो कोई MobiKwik नहीं है, कोई मेडिएटर नहीं है, डायरेक्ट इस ऐप से CoinDCX से आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ईजी है, और अगर चाहें तो आप पूरा लेआउट अगर जानना चाह रहे हैं तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, काफ़ी सारे एनालाइज कर सकते हैं, सब कुछ बहुत ईजी लेआउट है, बहुत आसानी से इंटरफेस है इसका। सो मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।